हाय गाइस, दिस इज विशाल हियर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने टारगेट की ओर हमेशा की तरह आज भी और लगातार अपने टारगेट की ओर मूव कर रहे होंगे जब तक वो अचीव ना हो जाए, है ना। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, मैं इसका अपना इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट लेके आऊँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउस वायरिंग। इट द ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम एंड फॉर द एग्जामिनर। जो एग्जामिनर की सोच है इंजीनियर से, एज अ जूनियर इंजीनियर से, एक फैक्चुअल डाटा पूछ रहा है तो फैक्चुअल डाटा बेस पे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। क्या हाउस वायरिंग? चलिए देखो, इसमें मैं सबसे पहले हाउस वायरिंग पे डिस्कस कर लेता हूँ। जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है कंडक्टर पे, कि कंडक्टर कौन कौन सा यूज करते हैं, पावर के लिए कौन सा यूज करते हैं, सब सर्किट के लिए कौन सा यूज करते हैं, नॉर्मल के लिए कौन कौन सा करते हैं। तो फटाफट बात करते हैं। ये क्या कहता है, अगर हमारा कोई सब सर्किट है, कोई सब सर्किट यानी कि नॉर्मल सर्किट बोलते हैं इसे, जो हम लोग अपने हाउस वायरिंग में 250 वोल्ट पे यूज करते हैं, इसमें अगर कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है और अगर एल्यूमिनियम का वायर है, तो हम कौन कौन से साइज का कंडक्टर यूज करेंगे। अगर कॉपर का वायर है आपके पास, तो यहाँ पे यूज करोगे आप 1 mm स्क्वायर का वायर, और आपके पास एल्यूमिनियम का वायर है तो 1.5 mm का स्क्वायर का वायर। जब 1.5 mm स्क्वायर के वायर को जब आप तोड़ोगे mm में, तो हो जाता है 1/1.40 mm। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा था, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दिया है ना, तो इतना आप याद कर लो। और ये जो सर्किट होता है हमारा 10 एम्पीयर के लिए सफिशियंट होता है कैरी करने के लिए लोड को, कौन, एल्यूमिनियम का वायर। इतना क्लियर होगा। सॉरी, सब सर्किट मैंने आपको बताया, सब सर्किट होता है हमारा नॉर्मल सर्किट, जिसमें हम कॉपर का जो वायर है वो होगा 1 mm स्क्वायर का होगा, और एल्यूमिनियम का वायर जो लगाएंगे हम लोग, अगर यूज करते हैं कॉपर की जगह एल्यूमिनियम चाहते हैं, तो हमें थोड़ा उसकी मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी एल्यूमिनियम की कैपेसिटी कम होती है क्या, करंट को कैरी करने की उतनी कंडक्टिविटी नहीं होती है, तो इसके हम लोग इसका साइज बढ़ा देंगे, इसका रेजिस्टेंस और कम हो जाए, कह लेंगे 1.5 mm स्क्वायर एरिया का, ठीक है ना। अगर यही पे बात करता हूँ मैं पावर सर्किट का, किसका, पावर सर्किट का, पावर सर्किट का, पावर सर्किट में ऑल्सो द टू टाइप के हम लोग लेंगे, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। जब कॉपर और एल्यूमिनियम लेंगे तो हम कितना कितना यहाँ पे यूज करेंगे, देखो पावर सर्किट का हम यूज करेंगे थोड़ा साइज बढ़ा देंगे कॉपर का भी और एल्यूमिनियम का भी। कॉपर को हम कर देंगे 1.5 mm स्क्वायर का, और एल्यूमिनियम को कर देंगे हम लोग 2.5 mm स्क्वायर का। पावर सर्किट के लिए कितना ही वोल्टेज हो सकता है हमारा, 1000 वोल्ट हो सकता है, 1000 से अबव हो सकता है। तो इसको हम 2.5 को अगर मैं तोड़ूँ mm में, तो 1.80 mm होता है। तो ये हमारा सर्किट कैरी करने के लिए होता है, 15 एम्पीयर तक का करंट आराम से कैरी कर सकता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। सब सर्किट में आपको होता है कॉपर के लिए, इतना तो आपको याद रखना ही रखना है, इतना, ठीक है ना, और इतना डाटा कॉपर के लिए होता है 1 mm स्क्वायर, किसका, सब सर्किट में। एल्यूमिनियम के लिए 1.5 mm स्क्वायर। अगर पावर में बात करूँ, कॉपर के लिए 1.5 और एल्यूमिनियम के लिए 2.5 mm स्क्वायर का वायर यूज करते हैं कंडक्टर। क्लियर डियर, आगे बढ़ा जाए। देखो अगर आगे बढ़ते हैं तो अब मैं बात करूंगा आपको साथ रेटिंग की, यानी कि जो सब सर्किट होते हैं और पावर सर्किट होते हैं उसमें हमारी, अरे यार माउस कम, हाँ कर गया। इसमें अगर मैं बात करता हूँ किसकी, रेटिंग की, रेटिंग की अगर मैं बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। पावर सर्किट में और सब सर्किट में क्या रेटिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सब सर्किट यानी कि नॉर्मल सर्किट जो हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं सब सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट, सब सर्किट यानी कि नॉर्मल सर्किट। इसमें अगर मैं रेटिंग की बात करूं, ध्यान से देखना क्या क्या होता है। जो मैक्सिमम लोड लेगा, ये मैक्सिमम कितना अगर लोड लेगा तो वो कितना लेगा, मैक्सिमम लोड जो ले सकता है ये, वो लेगा हमारा 800 वाट। ये तो कलरफुल हो गया, कितना लेगा, 800 वाट, कितना लेगा, 800 वाट। इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट होंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे, वो होंगे हमारे 10। कितने हो सकते हैं, 10, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर इसमें कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होंगे, 10, और मैक्सिमम लोड ले सकता है कितना, 800 वाट। और इसमें हम कह सकते हैं सॉकेट का जो आउटलेट होगा, सॉकेट जो होंगे इसमें, जो सॉकेट बने होंगे सब सर्किट में, सॉकेट जो होंगे वो कितने, 5 एम्पीयर के होंगे सॉकेट, डन ना, क्लियर। मैक्सिमम लोड जो होगा 800 वाट का, मैक्सिमम पॉइंट जो होंगे 10 होंगे, और सॉकेट जो होंगे 5 एम्पीयर तक के रेटिंग के होंगे। हम बात करें सब सर्किट की। अगर मैं यही बात कर लेता हूँ किसकी, पावर सर्किट की, पावर सर्किट की, देखो पावर सर्किट में क्या है, थोड़ा सा रेटिंग हाई हो जाएगी क्योंकि पावर पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो पावर में जो हमारे मैक्सिमम लोड हो जाएगा, मैक्सिमम लोड जो हो जाएगा, मैक्सिमम लोड होगा इसमें 3000,
3000 वॉट। देखो एक एक चीज बता रहा हूँ, रट लेना, मैं बता रहा हूँ फिर भी सीरियसली बोल रहा हूँ, रट लेना। इसमें अब ये मत सोचना इसमें भी कटिंग कर दूं, कि ऑलरेडी मैं कटिंग करके लाए हूँ, उसमें अभी आप कटिंग कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, है ना। और इसमें मैक्सिमम लोड मैंने आपको बता दिया। अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं इसमें किसकी, मैक्सिमम पॉइंट की, मैक्सिमम पॉइंट की, मैक्सिमम पॉइंट होंगे इसमें दो। क्लियर? देखो फिर एक बार आंख बंद करिए, रिवाइज करिए, मैं बता रहा हूँ। सब सर्किट अगर आपके पास, उसमें मैक्सिमम लोड होगा 800 और पावर सर्किट उसमें होगा 3000, मैक्सिमम पॉइंट होंगे सब सर्किट में 10 और मैक्सिमम पॉइंट होंगे पावर सर्किट में 2। क्लियर? यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगर मैं एक पॉइंट पे और बात कर लूँ, कि जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं, अप्लायंसेस हैं उनकी रेटिंग पे बात करना चाह रहा हूँ मैं। किस पे बात करना चाह रहा हूँ? उनकी रेटिंग पे। कि हमारे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारी अगर हमारा फ़ैन है उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए घर में, सीलिंग फ़ैन है, ट्यूबलाइट है, इसकी कितनी कितनी, तो एक बार देख लेते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं ना। कहते कहते छोड़ के कुछ नहीं जाएंगे, छोड़ के कुछ नहीं जाना, पूरा पढ़ के जाना है। अप्लाइंसेस, लाइव क्लास में यार, ऑफलाइन क्लास में कितना मज़ा है, सामने बैठे हो गए आप लोग, कितना डिस्कस करने में मज़ा है, कहाँ हो पाएगा इतना। अगर पावर रेटिंग देखूँ मैं इसकी, अप्लाइंसेस और पावर रेटिंग, मैं पहली बात करता हूँ इनकैंडेसेंट लैंप, आपने सुनी है ना, पढ़ी होगी इनकैंडेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप अगर है, उसकी पावर रेटिंग क्या हो जाएगी? उसकी हो जाएगी 60 वाट। इनकैंडेसेंट लैंप की पावर रेटिंग कितनी हो जाएगी? 60 वाट की। सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, उसकी रेटिंग कितनी तक हो सकती है? सीलिंग फैन एंड ये स्टैंडर्ड पूछ रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड टेबल फैन जो एग्जाम पूछेगा कि सीलिंग फैन और टेबल फैन की रेटिंग कितनी होगी, आपको ऑप्शन दे रखो 600 वाट, 200 वाट, 300 वाट, 100 वाट, तो आपको टिक करने आया क्या 100 वाट, ठीक है ना। अगर यही पूछा जाती है फ्लोरोसेंट लैंप, सेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप है इसकी 60 वाट, 60 वाट। ऑर्डिनरी सॉकेट आउटलेट, अगर हमारा कोई ऑर्डिनरी सॉकेट आउटलेट है, ऑर्डिनरी जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, ऑर्डिनरी, ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, ईजी भी लिख सकता हूँ क्योंकि यही एग्जाम में मिलेंगे, सॉकेट आउटलेट है, तो उसकी हमारी रेटिंग कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगा 100 वॉट का। अगर यहीं पे पावर है, ऑर्डिनरी नहीं है, पावर सॉकेट आउटलेट है, उसकी कितनी हो जाएगी सोचो? उसकी हो जाएगी 1000 वॉट। क्लियर? अगर इनकैंडेसेंट लैंप है 60 वाट है, फ्लोरोसेंट लैंप है उसकी भी 60, यानी कि लैंप की 60 वाट रहेगी, सीलिंग फैन की 100, ऑर्डिनरी सॉकेट की 100 वाट और पावर सॉकेट आउटलेट की 1000 वाट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। और जो चीज़ें बताइए फटाफट से एक बार दिमाग में रिवाइज कर लो, और नोट्स बना रहे तो नोट्स साथ साथ बताते चलो, वही है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो देखो कमेंट में, हम लोगों का एक जो पावर बिल नाम से चैनल है उसी में एक ग्रुप है, बेस्ट द बेस्ट कैंडिडेट है उसमें, बड़ा मज़ा आता है जब उनको देखता हूँ मैं, मतलब क्या क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं आपस में, आपस में ही नॉलेज शेयर करना, डिस्कशन करना, ऐसे ही यार ग्रोथ होती है, ऐसे ही ग्रोथ होती है, ऐसे ही हम लोग अपना माइंड डेवलप करते हैं एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे बस वहाँ लड़ते भी नहीं है इवन ये लोग, ऑसम। और जिसको भी ऐड होना, बस अगर सीरियस हो तो मुझे नंबर दे कमेंट में, आई विल ऐड, ठीक है ना, अगर मुझे लगेगा तो ऐड करूँगा। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपको फोटो दिख रही है ना इस पर, बड़ी मेहनत से बनाई है इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को शेयर ऐड कर देना, थोड़ा देखें बच्चे खुश हों कि कोई है बंदा जो मेहनत भी कर रहा है ना। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ, हो जा हो जा हो जा, बड़ी हो जा, हो गई हो गई यार, ये तो घूम गई, हो गई, चलो सफिशियंट है। हाँ अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, देखो कितना बढ़िया तरीके से बनाया मैंने, है ना, तारीफ मेरी ड्राइंग की। चलो जो चीज़ बता जा रहा हूँ ध्यान से देखते रहना, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ग्रीन पेन यूज करूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, जो मैं बताना जा रहा हूँ, देखो ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई स्विच बोर्ड है, कोई स्विच बोर्ड है हमारा, कौन सा, कोई स्विच बोर्ड है जो हम लगाते हैं घर में, जहाँ पे चटकनियाँ लगी होती हैं बहुत सारी लाइट के लिए, फैन के लिए, जब हम हमारा कोई सिंक है, जैसे हम लोग किचन में सिंक होती है जहाँ पे हम वॉशिंग जब करते हैं, अपने कपड़े धुलते हैं, कोई टॉयलेट है, वहाँ पे जो ये बोर्ड लगाना होना चाहिए वो कम से कम जमीन से, सिंकिंग से, अगर कोई वॉशिंग है सिंक है तो वहाँ से 2.5 mm की दूरी पर होना चाहिए, यानी कि सिंक है उससे कितना 2.5 मीटर, mm नहीं मीटर, 2.5 मीटर की अबव होना चाहिए, ठीक है ना, कितना 2.5 मीटर के अबव होना चाहिए। तो थोड़ा और जूम कर लूँ, हो जा भैया जूम, नहीं होगा,
इतना ही छोड़ो। चलो यार ऐसे ही समझ लो, है ना, माफ़ करना मुझे। दिख रहा होगा ना, दिख तो रहा ही होगा, तो बहुत छोटा हो गया। हाँ अब अच्छे से दिख रहा है ना, जूम हो गया। चलिए देखो, अब ये मैंने आपको बता दिया, अगर कोई सिंक है उसके ऊपर जो हमारा स्विच बोर्ड लगाना चाहिए कम से कम 2.5 मीटर पे होना चाहिए स्विच बोर्ड। दूसरा हमारा देखो पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमारा जो स्विच बोर्ड होते हैं, जो लगे होते हैं घरों में लाइटिंग के लिए, उसमें समझ रहे ना ध्यान से, ये समझने वाला पॉइंट है। और ये डाटा लिखा है ये आपको मैं दे दूंगा लिखा हुआ। देखो जो बोर्ड होते हैं उसमें आपने देखा वो ड्रिल होते हैं साइड में, छेद होते हैं ना, जिसमें हम लोग नट्स लगाते हैं अपने वॉल में फिट करने के लिए। उनकी जो दूरी होनी चाहिए, जो साइड का बॉर्डर है, जो साइड का बॉर्डर है वो बिल्कुल किनारे पे नहीं होने चाहिए। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड कहता है कम से कम, नहीं तो जो बॉर्डर है उससे 1.3 सेंटीमीटर अंदर होना चाहिए वो छेद। आपने देखा भी होगा एकदम किनारे पे जस्ट नहीं होते हैं वो, 1.3 सेंटीमीटर अंदर होते हैं अगर स्टैंडर्ड आप बोर्ड खरीदने जाओगे मार्केट से तो, ठीक है ना। जो होल होंगे यानी कि जिनपे हम ड्रिल करेंगे वो 1.3 सेंटीमीटर अंदर होने चाहिए। अब देखो जो हमारा फ्यूज होता है, हमने देखा है फ्यूज हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा जब लाइट बोर्ड शुरू होता है, तो फ्यूज का जो होना चाहिए एकदम साइड से नहीं होना चाहिए कि चिपका हो उस ड्रिल के, नहीं वो बॉर्डर से 2.5 सेंटीमीटर अंदर होना चाहिए। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कहता है कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर अंदर होना चाहिए। क्लियर। देखो फ्यूज जो है वो 2.5 सेंटीमीटर अंदर होना चाहिए और ड्रिल होनी चाहिए 1.5 सेंटीमीटर बॉर्डर से अंदर, ठीक है ना। क्लियर। अब देखो अब मैं नेक्स्ट अगर बात करूं तो फैन और लाइट की बात कर लेता हूं। आपको ये लाइट दिख रही होगी, ये लाइट दिख रही है, ये लाइट में जो लगी होती है ना, हमने अपनी सीलिंग पे देखी है, ये लाइट लगी होती है सीलिंग नहीं वॉल पे लगी होती है दीवार पे जो, तो वो जमीन से उस लाइट की हाइट होनी चाहिए वो 2.25 मीटर होनी चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उससे कम होनी नहीं चाहिए। 2.25 मीटर की हाइट होनी चाहिए कहाँ से, जमीन से जो लाइट लगी है ऊपर लाइट की हाइट। तो आप जब भी लाइट को देखें तो तुरंत याद करें 2.25 मीटर पे लगी हुई है। आप अब जो घर बनाएं अपना जेई बनने के बाद जो सैलरी मिलेगी बढ़िया वाली, तो घर बनवाएं तो ये सारे स्टैंडर्ड को देख के बनवाना है ना, क्योंकि जेई हो तो, नहीं तो कोई अगर देख हंसेगा। अब देखो पंखा, मतलब हम लोग देखो ना बचपन में, मैंने तो कभी सोचा था कि ये भी एक स्टैंडर्ड होता है पंखे को टांगने का, इतना हाइट होनी चाहिए, इस हिसाब से बने होते हैं। ये तो मुझे जब पढ़ा पता चला, अच्छा ये स्टैंडर्ड भी होते हैं इन सबके। और यूपीपीएससी ने पूछा भी था इस बार पूछा था यूपीपीएससी ने 2019, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है 2019 ने सीपीडब्ल्यूडी 2013 के अकॉर्डिंग क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ, जो पंखा हमारा जमीन से, जो फ्लोर है हमारा जमीन जिसमें हम बैठते हैं, वहां जो हमारा पंखा टंगा होता है उसकी हाइट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.75 मीटर। उसकी जो हाइट होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 2.75 मीटर जमीन से हाइट। अब यही इस बार सीपीडब्ल्यूडी 2030 रूल के अकॉर्डिंग यूपीपीसीएल ने क्या पूछ लिया था कि जो फैन है और जो छत है उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, ब्लेड है जो फैन के, यानी कि फैन के जो ब्लेड्स हैं और जो छत है उसके बीच में गैप जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0.3 मीटर का। 0.3 मीटर का फैन और ब्लेड के बीच का गैप होना चाहिए। क्लियर क्लियर होगा। देखो दोबारा, फ्लोर से फैन के बीच का जो गैप होना चाहिए 2.75 मीटर, अब फैन से जो रूफ का जो गैप होना चाहिए वो 0.3 मीटर का होना चाहिए। क्लियर होगा यहाँ तक। आगे बढ़े बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, मज़ा आना चाहिए यार। तो अब देखो आपने देखा होगा जो हमारा स्विच बोर्ड लगे होते हैं जमीन में, जमीन से थोड़ा ऊपर लगे होते हैं जहाँ पे हम लोग प्रेस रेस के स्विच लगा देते हैं, प्रेस के होते हैं पावर के सर्किट होते हैं, तो वो होने चाहिए प्रेस के लिए पावर के लिए आउटलेट बोर्ड होते हैं, वो जमीन से कम नहीं तो 23 सेंटीमीटर हटके होने चाहिए, जस्ट हमें नहीं लगा देना है। इसीलिए देखा होगा हम लोग जमीन में नीचे बॉर्डर भी छोड़ते हैं, बॉर्डर छोड़ते हैं है ना, तो टू यानी कि हम कहते हैं 2.3 मीटर, मीटर नहीं 23 सेंटीमीटर, याद रखो चिंता ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होने का, 23 सेंटीमीटर के अबव लगाना है आपको ये जो प्रेसरेस वाले बोर्ड होते हैं पावर वाले, जो छोटे से लगे होते हैं जिसमें सिर्फ एक स्विच होता है और सॉकेट होता है बस, है ना बस। अब देखो इसमें ये क्या कह रहे हैं, आपको ये कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, बस समझो। देखो जो मेन स्विच बोर्ड होता है हमारा, जो मेन स्विच बोर्ड जहाँ मेन होता है, मेन लाइन आती है, मेन घर में होता है मेन स्विच बोर्ड, वहाँ पे क्या है उसके चारों ओर हमें कितना बॉर्डर छोड़ना चाहिए ये पूछा गया है एग्जाम में, तो वो हमें छोड़ना चाहिए 0.914 मीटर का। उसके चारों ओर दायरा में हमें कुछ नहीं रखना है, कोई चीज़ नहीं लगानी है, उसके चारों ओर इतना एरिया हमें खाली छोड़ना है मेन स्विच बोर्ड के अराउंड।
याद रखना है आपको 0.9140, 0.914 अप्रोक्स 1 मीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्लियर। 0.914 मीटर किसके, जो हमारा मैन स्विच है उसके सराउंडिंग में चारों ओर, तो क्लियर होगा आई होप आपको यहां तक बिल्कुल सारा कुछ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं उनको मैं करा दूंगा। तो आपको मैंने इतना करा दिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, जो भी इसके कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो मैं सारा आपको बता देता हूँ। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये पूछते हैं कि लाइट पॉइंट कितने होने चाहिए, जो पूछते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, जो लाइट के पॉइंट्स हैं वो कितने होने चाहिए। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट होने चाहिए वो हमारे 10 होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितने होने चाहिए 10। मिनिमम कितने हो सकते हैं एक बोर्ड में, तो वो हो सकते हैं हमारे 4, कि मिनिमम इतने तो इतने होने ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हमारे कितने होते हैं 10 लाइट पॉइंट, याद रखना ये पूछा जाता है। अगर पूछते हैं कि सब सर्किट, देखो क्या कहते हैं, सब सर्किट सेल नॉट मोर देन टोटल 10 पॉइंट, यानी कि हम कह सकते हैं 10 से ज़्यादा सब सर्किट में पॉइंट नहीं हो सकते हैं 5 एम्पियर सॉकेट के, है ना। अगर यही पूछा जाता है 16 एम्पियर के सॉकेट के लिए, तो आपने देखा होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पॉइंट होते हैं प्लग और प्लग के, यानी कि पॉइंट और प्लग सॉकेट होते हैं, वो करीब 5 से 8 के बीच में वेरी करते रहते हैं, इतना याद रख लो। ये पूछा नहीं जाता, हालांकि लाइट का पूछा जाता है। तो 10 to 50%। अब देखो इसमें एक चीज़ और होते हैं, क्या कि हम जब अपना बोर्ड डिजाइन करते हैं उसमें हम लोग स्विच, आपने देखा हो बहुत लगे होते, लेकिन इसमें एक दो स्विच खाली छोड़े जाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो हम इसी पॉइंट में है कि 10 to 50% हम लोग मोर बनाते हैं आउटलेट, मोर स्विचेस या फिर पॉइंट बनाते हैं, जिससे हम अगर फ्यूचर में कुछ और ज़रूरत पड़े तो इसमें हम ऐड कर सकें। तो ये आपको याद रखना है, हमें कितने परसेंट हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, अगर फ्यूचर में कोई एक्सटेंशन होता है बोर्ड में तो 10 to 50% स्विच हम एक्स्ट्रा बना देते हैं, क्लियर। अब देखो ये क्या कहता है कि जो हम लोग अपनी वायरिंग करते हैं ना, तो हमारा मिनिमम कितना वायर छोड़ा जाता है कि हम जब बोर्ड में ज्वाइन करने के लिए, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा बोर्ड के जब पीछे साइड कई सारा बंडल से वायर बने होते हैं कई सारा, आप सोचो उतना ही क्यों नहीं छोड़ा भी जाता है, तो हमारा करीब 15 सेंटीमीटर वायर एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है। ये स्टैंडर्ड कहता है कि आपको 15 सेंटीमीटर वायर एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा, जिससे आगे कोई अगर फॉल्ट वगैरह होता है तो कट करके आगे ऐड कर सकें उसमें, है ना। तो ये सारे थे पॉइंट्स इसके जो मैंने आपको बता दिया, हाउस के, जो हमारा हाउस डोमेस्टिक पर्पज़ पे अंदर ही क्या रहता है, पावर में कितने पॉइंट और कितना लोड मैक्सिमम कैरी कर सकता है। अब कुछ पॉइंट रह गए हैं वायरिंग के, वायरिंग में हमारा क्लीट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, वेटन वायरिंग और केसिंग कैपिंग वायरिंग, इतनी वायरिंग रहेगी, इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और कुछ पॉइंट्स और हैं उसको मैं आपको डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। वो देखो अब मैं इसको आपको लिखा के ही कराऊँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कितने मिनट का हो गया वीडियो। चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं, किस पे, वायरिंग पे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखो जो हम पहली वायरिंग देखने वाले हैं इट्स अ क्लीट वायरिंग, इट्स अ क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग। इसमें क्या होता है, देखो ये आप जैसा देख पा रहे हैं ये क्लीट टाइप की वायरिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, एक फिक्स रेगुलर इंटरवल पे, जो हमारा रेगुलर इंटरवल पे एक्सीड हम नहीं कर सकते ज़्यादा, ये जो चीज़ है ना, ये गैप जो है हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है 0.6 मीटर का, यानी कि 60 सेंटीमीटर का, यानी कि जो क्लीट ये बोलते हैं ना, ये जो क्लीट लगी होती है वो रेगुलर इंटरवल पे लगी होती है, मीन्स हर 0.6 मीटर पे, यानी कि 60 सेंटीमीटर के इंटरवल पे लगी होनी चाहिए। ये चीज़ें पहला पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है ना। जो प्लग होते हैं, जो प्लग्स होते हैं ऑफ वेल सीजनड जो वुड होते हैं, नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर, ये जो ये लगे हैं ना, ये जो बने होते हैं, कभी वुडन के भी होते हैं कभी चीनी मिट्टी के भी होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर से लॉन्ग नहीं होने चाहिए, और जो मोटे होने चाहिए 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनर से और आउटर में भी, जो आउटर वाला देखो एक नीचे बेस होता है, इसमें एक बेस होता है और एक अपर वाला पार्ट होता है, तो बेस वाला है वो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, जो अपर वाला है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटा होना चाहिए, दो चीज़ें याद रखना, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा इनर वाला रहेगा वो हमारा रहेगा कितना 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और जो हमारा आउटर रहेगा वो रहेगा करीब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और इसमें जो रेगुलर इंटरवल पे जो गैप है, यानी कि हम कह सकते हैं क्लीट लगी होनी चाहिए, वो एट एवरी कितने 0.6 मीटर या फिर 60 सेंटीमीटर, डन, इतना होना चाहिए।
इस वायरिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेरी वायरिंग। इस वायरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पोरेरी वायरिंग। ये टेम्परेरी तौर पे वायर क्यों जाती है, जब हम कैंप वैम्प लगाते हैं अपने जो आर्मी वाले, वो हम इसी टाइप की वायरिंग यूज़ कर लेते हैं। अब देखो एक चीज़ में क्या है, अगर 250 वोल्ट की सप्लाई है, अगर केबल है, अगर प्लेस की जाए इसमें जो जा रही है, देखो ये क्या है, ये एक केबल है, ये केबल है, इसमें अगर 250 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, कितनी 250 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और दो हैं, तो उनके बीच का जो गैप होगा ना, ये जो गैप होगा ये आपस में भी एक दूसरे को डिफेक्ट ना करें हो, तो उसके लिए इसके आपस का गैप जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर, वो होना चाहिए हमारा कितना, 4.5 सेंटीमीटर गैप, अगर हमारी 250 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। तो इतने पॉइंट आपको क्लियर होंगे। पहला 60 सेंटीमीटर का गैप होता है, यानी कि 0.6 मीटर का, इसमें हमारा इनर पे होता है, जो इनर वाला बेस होता है ये 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का मोटाई होती है, और आउटर का होता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसमें जो क्लीट का कैप मैंने आपको बता दिया, टेम्परेरी वायरिंग होती है, और अगर हम 250 वोल्ट की हम सप्लाई दें इसमें, तो हमारा वायर से वायर के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट चले। तो नेक्स्ट अगर हमारी वायरिंग आती है, हमारी आती है कंड्यूट वायरिंग, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ आ रही है कौन सी, कंड्यूट वायरिंग। इसी हमारी कैसे, देखो एक तो हमारी ये ओपन है कंड्यूट वायरिंग, एक हमारी दीवार के अंदर जाती है, तो उसको हम कहते हैं कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, अगर ऑल स्टील जो कंड्यूट पाइप होते हैं, ये जो स्टील के भी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के भी यूज करने लगे हैं हम लोग, तो ऑल स्टील जो कंड्यूट पाइप होते हैं, ऑल स्टील कंड्यूट पाइप जो रहते हैं, उसका हमारा IS स्टैंडर्ड कितना है, वो हमारा IS स्टैंडर्ड चलते हैं 1653-1964 के अकॉर्डिंग चलते हैं ये सारे हमारे। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं इसमें की बात करूं, क्या कहेगा, जो हमारी कोई भी स्टील की कंड्यूट 16 सेंटीमीटर डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारी जो स्टील की कंड्यूट होनी चाहिए, मिनिमम डाया जो होना चाहिए किसका, कंड्यूट का, वो कितना होना चाहिए, 16 सेंटीमीटर डाया होना चाहिए। क्लियर, 16 सेंटीमीटर, नो स्टील कंड्यूट, हम स्टील कंड्यूट बात कर रहा हूँ, नॉट लेस देन 60 सेंटीमीटर इन डायमीटर शुड बी यूज। चलिए इसमें दो टाइप की वायरिंग होती है, एक तो ये सरफेस पे आपको दिख रही है ऊपर वाली, और एक मैंने आपको बताया थी कंसील्ड कंड्यूट। अगर कंसील्ड कंड्यूट है तो उसमें हमारी बेस्ट तो वही रहती है ऑफकोर्स, क्योंकि डेकोरेटिव अगर हम बात करें तो जो इंटरनली जाती है वो ज़्यादा बेटर है, ऊपर के लिए हमें दिख रही है, तो वो जब हम यूज करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें दिक्कत ये आती है, जो हमारी इंटरनल होती है उसमें रिप्लेसमेंट इजीली नहीं हो पाता, ये तो ऊपर हमें दिख रही है कहीं अगर फॉल्ट हुआ हम ऊपर ऊपर चेक कर लेंगे, अगर इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम उसमें चेक नहीं कर पाते जल्दी, तो ये की तो प्रॉब्लम वो आती है जो हमारी कंसील्ड कंड्यूट होती है। और एक हमारी रहती है जो कंसील्ड कंड्यूट होती है, वो हमारा पॉइंट रहता है ना कि वर्कशॉप में कौन सी यूज की जाती है, वर्कशॉप में वो यूज की जाती है हमारी, कितनी वर्कशॉप में कितनी होती है, सॉरी क्या बोलूँ मैं, कितनी नहीं कौन सी, सॉरी सॉरी, कंसील्ड कंड्यूट, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग यूज की जाती है, कंसील्ड कंड्यूट हमारी की जाती है कहाँ पे, वर्कशॉप में, ठीक है ना। और यही एक वायरिंग ऐसी होती है कंड्यूट वायरिंग या फिर कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, जिसमें हमें हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, ऐरा गैरा ऐसे कोई काम नहीं कर सकता, कि हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होता है इसके लिए हमें। क्लियर, तो इतने फैक्ट आपको इससे याद रखना है, किससे, कंड्यूट वायरिंग से, कौन सी, कंड्यूट वायरिंग से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको जैसा पता चला है पिक्चर में है ये कौन सी वायरिंग है, वेटन वायरिंग हम डिस्कस करने वाले हैं, आप कौन सी, वेटन वायरिंग। वेटन में आप देखिए क्या आता है, एक बैटन स्ट्रिप होती है, इसके अंदर उसके ऊपर वायर्स होते हैं, उसको क्लिप कर दिया जाता है और पहुंचा देते हैं पूरे, हम पुराने टाइम में अगर अपने मैं भी अपने गांव में देखूं तो इसी टाइप की कुछ वायरिंग हो रखी थी, तो ये होती है वेटन वायरिंग। अब वेटन वायरिंग हमारी दो टाइप की होती है, एक तो होती है PVC वायरिंग और एक होती है TRS वायरिंग, और TRS की फुल फॉर्म कभी अगर पूछ जाती है, ये होती है टफ रबर सीट, टफ रबर सीट, ठीक है ना, याद रखना है आपको। अब जो हमारी बैटन होती है, ऑफ कोर्स जो हमारी बैटन है ये कहाँ पे फिक्स्ड है, दीवार पे फिक्स्ड है, तो दीवार पे ये रहेगी। अब जो इस पर प्लग लगाए गए हैं, जो ये क्लिप्स आपको दिख रहे हैं, ये कभी भी
75 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं, यानी कि उससे कम ही लगाएंगे, कभी भी 75 सेंटीमीटर दूरी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब जो हम लोग लगाते हैं, देखो जो हमारी हॉरिजेंटल आ रही है, ये एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल है। हॉरिजेंटल पे जो क्लिप्स लगेंगे हमेशा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगेंगे। वैसे तो हम ये एक एक स्टैंडर्ड है कि हमारा 75 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हॉरिजेंटल है तो वहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे हमें दूरी पे एक क्लिप लगानी पड़ेगी, और वर्टिकलर में है तो हमें कम से कम नहीं तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे लगानी पड़ेगी। क्लियर? अगर हॉरिजेंटल है तो 10 सेंटीमीटर और वर्टिकल है तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे लगानी पड़ेगी। अगर हम कह सकते हैं हॉरिजेंटल है तो हमारा 10 सेंटीमीटर दूरी पे क्या क्लिप्स लगानी पड़ेगी, और अगर हमारा वर्टिकल है तो हमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पे क्लिप्स लगानी पड़ेंगे। ठीक है ना? क्लियर इतना? और ये हमारी वायरिंग जो यूज़ कर जाती है, ध्यान से देखो, अगर जो हमारी जहाँ पे एसिड वर्क हो, एसिड या फिर अल्काली वर्क, जहाँ पे क्षारीय काम हो, अल्कालिक वर्क हो रहा हो, तो हमें वहाँ पे जो वायरिंग होती है हमारी टफ रबर सीट वायरिंग यूज करते हैं। टफ रबर सीट वायरिंग यानी कि कौन सी? वेटर वायरिंग यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर होगा? तीन वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, चौथी और लास्ट वायरिंग देख लेते हैं, कौन सी? केसिंग केपिंग। इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान है, दो चार चीज़ें आपको याद रखनी है बस, और क्लियर हो जाएगा आपको। केसिंग केपिंग वायरिंग, केसिंग केपिंग क्या कहते हैं हमारा? देखो, जब ये हमारी पहले लकड़ी की भी यूज होती थी, लेकिन अब हम लोग मोस्टली पीवीसी की यूज़ करने लगे हैं प्लास्टिक में। तो जब लकड़ी की होती थी तो उसमें जो लकड़ी यूज होती थी, जब लकड़ी की होती तो वुड जो होती थी वो हमारी वो थी सागवान करके कोई एक लकड़ी आती है उसकी थी, सागवान वुड की। लेकिन जब हमारी अब जब से प्लास्टिक हो चुकी है तो हमारे पीवीसी होने लगी है। अब जो हमारा प्लास्टिक है वो किसका हो गया? पीवीसी का, पीवीसी का। अब देखो इसमें क्या होता है, जो बेस पार्ट होता है, मैं यही बता देता हूँ, बेस पार्ट है ये होता है केस, और इसके ऊपर जो लगाते हैं वो होता है हमारा कैप, है ना? जो बेस पार्ट होता है उसका केस कहलाता है, जिसके ऊपर लगता है कवर होता है उसको हम कहते हैं कैप, यानी कि कैपिंग कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो कि जो केसिंग होती है, केसिंग जब हम करेंगे ना, जब इसको हम फिट करते हैं किस पे? अपने वॉल पे। जो केसिंग है इसको हम वॉल पे जब अपने फिट करेंगे, केसिंग को हम कौन सा बॉटम वाला पार्ट बता रहे हैं, तो उसका जो हमारा स्क्रू लगाएंगे, इसको हम फिट करते हैं ना, अंदर फिट कर देंगे, तो वो हमारा होना चाहिए 45 से 90 सेंटीमीटर के अंडर आ जाना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं 45 मीटर मिनिमम पे हम इसे करके चलते हैं, हम स्क्रू इसका लगा देंगे, और मैक्सिमम कितना? 90 हो सकता है। अब अगर मैं केपिंग की बात करूँ, जब केपिंग लगाते हैं, जब कैप करते हैं, तो यह भी हम लोग ये कैप ऐसे ऐसे के फंसा देते हैं जैसे ये उखड़े ना जल्दी, तो हम लोग वो करते हैं 15 सेंटीमीटर कुछ अप्रॉक्स। लेकिन हमने ऐसा घरों में देखा तो नहीं है, हालांकि हम कैप बस ऐसे लगा देते हैं, इसके ऊपर कोई स्क्रू नहीं करते, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछेगा एग्जामिनर। अब एक पॉइंट जो इससे बनता है इंपॉर्टेंट है, जो वो ये बनता है, जब हम केसिंग लगाते हैं तो क्या करते हैं पता है? केसिंग प्लास्टिक की है, तो इसके बैकग्राउंड में हम जब ये नट लगा रहे होते हैं ना, तो इसके पीछे हम एक इंसुलेशन की एक चादर लगा देते हैं, मतलब इंसुलेशन की एक कह सकते हैं डिस्क लगा देते हैं। तो वो जो होनी चाहिए इंसुलेशन डिस्क की थिकनेस कितनी होती है? हम कह सकते हैं इंसुलेशन डिस्क जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए हमारी 6.5 mm तक हमारी उसकी इंसुलेशन डिस्क की होती है, जो कि हमारी बॉटम में लगी होती है किसके? केसिंग के। क्लियर होगा आपको यहाँ तक? तो आपको मैंने सारी वायरिंग क्लियर करा दी, ये इतने ही पॉइंट बनेंगे वायरिंग से, और कुछ नहीं बनेंगे। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनते हैं तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं ऐड कर लूँगा अपने नॉलेज के लिए, इन फ्यूचर के लिए। तो अब आपको मैं आगे इसमें कुछ वन लाइनर फॉर्म में फटाफट से कुछ पॉइंट बता देता हूँ, जिससे कि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए मेरे लिए और आपके लिए भी, अगर कुछ बनती हैं चीज़ें इन फ्यूचर एग्जाम में। वन लाइनर फॉर्म में आपको बताना है मुझे कि हाई वोल्टेज इक्विपमेंट इंसुलेशन कितना होता है? 1 MΩ होना चाहिए। अर्थ लीकेज अगर प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करते हैं 5 kW से ज़्यादा बड़ी मोटर या फिर इक्विपमेंट के लिए करते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है वायर की, वो 350 किलोग्राम होती है। अगर हम कहें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉइंट कितने होने चाहिए कि स्पैन में, वो 2 जॉइंट होने चाहिए। अगर सेफ्टी फैक्टर की बात करें पावर इंस्टॉलेशन के लिए, तो 2 होना चाहिए, है ना? तो मैं इसको आपको लिख के बता दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, तो मैं लिख के बताता हूँ, अगर हमारा कोई एच टाइप का पोल है, अगर हमारा कोई एच टाइप का पोल है, तो उसका कितने KVA का ट्रांसफर होगा उस पर? तो वो हमारा कैपेसिटी होगी 130 KV तक की कैपेसिटी का ट्रांसफर हमारा कैरी कर सकता है वो, हमारा कौन सा? एच टाइप का पोल है। और अगर मैं बात करता हूँ, एक UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि एच पड़ता सोलर वाटर हीटर, एच पड़ता सोलर वाटर हीटर सेल मीटर द प्रोपेलेंट
परफॉर्मेंस है, यानी कि जो परफॉर्मेंस जो मेंशन करता है, तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? एज पर द सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर की अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की सीधा, वो किसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आती है? वो आती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड 13129 के अंदर। ये पूछा गया था इस बार, ठीक है ना, तो इसको याद रखना, पूछा गया था, इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है ना। अब एक और पूछा गया था, देखना बहुत अच्छा पॉइंट, ए एस एम ई करके। ए एस एम ई मुझे बड़ा बढ़िया लगा था, मैंने इसके बारे में पढ़ा तो काफ़ी नॉलेज मिला। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं लिख देता हूँ, अमेरिकन सोसाइटी सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब देखो ये क्या करती है, ये क्या करती है आपको, हाँ पूछा गया था कि एएसएमई क्या करती है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो हमारा फैन में एक फैन जो बनाते हैं हम लोग, डिफाइन वन ऑफ द बेसिक पैरामीटर, एक बेसिक बेसिक पैरामीटर किसका, फैन का, कि बेसिक पैरामीटर बताती है फैन का, फैन का बेसिक फैन पैरामीटर बताती है, तो वो बेसिक पैरामीटर क्या है? तो उसका वो बेसिक पैरामीटर था क्या पता है आपको? वो था हमारा स्पेसिफिक रेशियो। कौन सा? स्पेसिफिक रेशियो, स्पेसिफिक रेशियो बेसिक पैरामीटर है, जो कि हमारा ये कौन, ए एस एम ई बताती है। अब मैंने यहीं पे जब पढ़ा इसके बारे में तो हमें मिल गया कि स्पेसिफिक रेशियो फैन का होता कितना है, अगर पूछ सकता है 1.11 हमारा स्पेसिफिक रेशियो होता है किसका, फैन का, ठीक है, इतना क्लियर रखना। अब एक पॉइंट पूछा गया था कि इंडियन स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यानी कि हम बोलें तो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो कि सब चीज़ों का स्टैंडर्ड बताती हो, ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमारी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जैसे हमारा बचपन में ऐड आता था वीआईएस हॉलमार्क करके, कि जब भी कोई सामान खरीदें तो वीआईएस हॉलमार्क देख के खरीदें, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है। अब देखो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ड्यूटी फ्यूजिंग फैक्टर फॉर कार्ट्रिज फ्यूज, अगर मैं कहूँ कि स्टैंडर्ड फ्यूजिंग फैक्टर फॉर कार्ट्रिज फ्यूज कितना हो जाएगा, ये कुछ पॉइंट है बस, देखो वन लाइन फॉर्म में इतना याद कर लो, फ्यूजिंग फैक्टर फॉर कार्ट्रिज, कार्ट्रिज फ्यूज कितना होगा, वो होता हमारा 1.45। ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, जैसे मैंने आपको भी बताया कि सेफ्टी फैक्टर फॉर पावर इंस्टॉलेशन, सेफ्टी फैक्टर फॉर पावर इंस्टॉलेशन कितना होना चाहिए, सेफ्टी फैक्टर फॉर पावर इंस्टॉलेशन ये होना चाहिए हमारा 2। सेफ्टी फैक्टर हमारे मोस्टली 2 ही होते हैं, है ना। अब एक पॉइंट आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉइंट एक स्पैन में कितने हो सकते हैं, अगर कोई स्पैन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो सकते हैं, हम कहना चाहें मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉइंट इन स्पैन कितने हो सकते हैं, 2 जॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे हमने बताया कि हाई वोल्टेज इक्विपमेंट यानी कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम। आइडियली इंसुलेशन बोलूँ तो रेजिस्टेंस, राइटिंग खराब हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम, ठीक है ना। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा जितना मैंने आपको बताया, दिमाग में रखिएगा, मैंने पूरा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड आते हैं मैंने सब खत्म कर दिए हैं, एक भी नहीं बचा है। मेरे हिसाब से परफेक्ट है ये डाटा, सफिशियंट है डाटा फॉर योर एग्जाम के लिए। इनको बार 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 रिवाइज करते रहिए, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका टाइप करिए जाकर टेलीग्राम पे पावर बिल, वहाँ पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स डाल दूंगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मैं अगेन कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, डू योर टुडेज बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट द वरी अबाउट टुमारो, ठीक है ना। तो सेशन को अगर रियल में आपको दिल से पसंद आया हो, अगर 2% भी, 1% भी पसंद आया हो, तो शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइए। मैं नहीं कहूँगा इसमें व्यूज़ बढ़ाने के लिए, बस अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए शेयर करिएगा उनके साथ कि भाई एक चैनल है जो कि आपको करा रहा है, वहाँ पढ़िए, ये बहुत अच्छा डाटा है, क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक
ठीक है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अगर तीनों सेशन देखे हैं इसके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नहीं देखे तो देखिए जाके पहला दूसरा, तब तो आप ये देखिए जाके। एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।